you're watching Exposed India. लखनऊ के थाना हजरतगंज पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने एक गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस गिरोह द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, पतंजलि आयुर्वेद, लखनऊ सिटी सर्विसेज लिमिटेड आदि कंपनियों के पेपर में विज्ञापन देकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का झांसा दिया जाता था। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और काफी संख्या में फर्जी नियुक्त पत्र की सॉफ्ट कॉपी, फर्जी नियुक्त पत्र की हार्ड कॉपी, ट्रेनिंग लेटर जारी करने के लिए प्रिंटेड पीले लिफाफे, प्रचार सामग्री आदि बरामद किया है। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस अब आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी में जुट गई है। फर्जी नियुक्ति पत्र लेकर रीजनल ऑफिसर है और कुछ मुख्यालय में संपर्क किया कि अभी तक हमको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया, प्रचालक पत्र हमारी नियुक्ति हुई। जब उनका परीक्षण किया गया तो वो फर्जी निकले। उसके बाद फिर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। UPSRTC के क्षेत्रीय प्रबंधक के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस पे साइबर क्राइम सेल की टीम को लगाया गया था, जिसके मुखबिर खास और साइबर तकनीक की सूचना पे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो अलीगढ़ का रहने वाला है और जिसने UPSRTC, पतंजलि आयुर्वेद और लखनऊ सिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी के नाम पे ठगी की है। इसका जो पूछताछ में बात सामने आई है, उसने बताया कि ये पहले 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे इन लोगों से कांटेक्ट करके लेता था। उसके बाद अपने फर्जी ईमेल आईडी पे, जो कि उसी साइट से मिलती जुलती थी, उन पे इनसे इनके डॉक्यूमेंट मंगा के और फिर उन पे 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट करके फ्रॉड करता था।